खबर वाराणसी से है, जहां आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल्स महाभारत की तरह चुनावी युद्ध के मतगणना का अंतिम सातवां द्वार छल से जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव की एक रणनीति मात्र है। इंडिया गठबंधन के मतगणना अभिकर्ता एकाग्रता एवं तन्मयता से मतगणना के अंतिम क्षण तक स्वच्छ पारदर्शी गणना के लिए जूझेंगे और सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल रणनीति को विफल कर इंडिया सरकार के लिए मिले जनादेश को साकार परिणाम तक पहुंचाएंगे। श्री राय ने कहा कि सरकारी एग्जिट पोल पूरी तरह आंख में धूल झोंक के अधिकारियों को धौंस में लेने तथा विपक्ष एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं को मानसिक दबाव बनाकर हताश मानस के साथ मतगणना में खड़े करने की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव और मतगणना को लेकर अजय राय ने कहा कि सट्टा बाजार में भारी धन लगा हुआ है, इसलिए बाजार और सरकार की ये बेईमान इरादों की साक्षी रणनीति है, जो एक तरफ का मैच फिक्सिंग खेल है। यही काम किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा था चुनाव के पहले मोदी जी और कंपनी ने कहा कि 400 पार, उसी 400 पार को दिखाया जा रहा है बिल्कुल, और ऐसी जगह दिखाया जा रहा है जहां पर वो दो दो एक एक सीटें के बाद पांच पांच छः छः सीट दिखाई जा रही है। ये क्या पूरी तरीके से मन भरा तो कमरे में बैठकर बनाया हुआ एग्जिट पोल जनता के बीच में गाँव में या जही गाँव में जाकर घूम कर देखिए समझ में आ जाएंगे। पूरी तरीके से ये मनगढ़ंत और तरीके बनावटी दिखाई जा रही है। देखते रहिए, जैसे समय बदलेगा उसके बाद बदलेगी। बहुत ही जबरदस्त आ रहा है आपके सामने उसका लहर। जनता ने इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत दिया है। आने वाला जो कल है उसको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। प्रत्याशी सफलता इंडिया अब ये तो ये काम तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो ठग लोग हैं ये सब बोलते हैं। बस यही कहूँगा कि प्रत्याशी सफलता और दमदारी के साथ इंडिया गठबंधन जीत लेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।